आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से द कॉस्मिक रिवर में। मेनी पीपल यूज क्रिस्टल फॉर अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हार्मनी, लव लाइफ एंड गुड लक। बट व्हाट डू आई बिलीव कि क्रिस्टल्स के साथ साथ रियल नॉलेज एंड रियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर आपको क्रिस्टल्स की नॉलेज नहीं है किस तरीके से इसको उपयोग किया जा सकता है, किस तरीके से मैनिफेस्टेशन की जा सकती है, इसके बेनिफिट्स हम कैसे ले सकते हैं, अगर आपको ये सब नॉलेज हो तो आप इससे बेनिफिट डबल ले सकते हैं। सो क्रिस्टल्स के बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे मनी मैनिफेस्टेशन के बारे में कि अबंडेंस के लिए, मनी मैनिफेस्टेशन के लिए कौन से क्रिस्टल यूज किए जाने चाहिए और कौन से क्रिस्टल किस तरीके से यूज किए जाने चाहिए ताकि हम मोर एंड मोर मनी को अपनी तरफ और अट्रैक्ट कर सके। जेड क्रिस्टल जो कि सदियों से एक बहुत ही ज्यादा गुड लक के लिए लकी क्रिस्टल माना गया है, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। दिस इज ग्रीन जेड क्रिस्टल, प्योर ग्रीन जेड क्रिस्टल। अगर आप यूज करते हैं अबंडेंस के लिए, ये गुड लक के लिए काम आता है। मनी तो लाता ही है लेकिन साथ में गुड लक भी लेके आता है। इसके अलावा क्रिस्टल सीटोन है हमारे पास, जो आप काम करते हैं जिसमें आप पूरा दिल और टाइम लगाते हैं, वो समय से आ जाए आपके पास चीजें, वो समय से मैनिफेस्ट हो जाए, उसके लिए आप सीटोन यूज कर सकते हैं। पायराइट यूज कर सकते हैं आप, पायराइट जो कि ब्लैक आयरन भी कहा जाता है, इसको फूल्स गोल्ड भी कहा जाता है। फूल्स गोल्ड कहा जाता है, ये बिल्कुल लोहे जैसा दिखने में होता है, इट्स वेरी हार्ड क्रिस्टल। इसको यूज कर सकते हैं आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। सो आप इनका कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अगर आप तीनों का ब्रेसलेट या कॉम्बिनेशन में इसको बना के यूज करते हैं तो ये आपको और भी ज्यादा बेनिफिट देगा। आखिर क्रिस्टल किस समय यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, इसकी नॉलेज होने भी बहुत जरूरी है। आज हम सिर्फ अबंडेंस क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, मनी अट्रैक्ट करने के लिए, फाइनेंशियल गेन के लिए। सो क्रिस्टल फाइनेंशियल गेन के लिए जो आपको यूज करना है उसको आप अपने डोर की एंट्री पे यूज कर सकते हो, आप अपने सेफ में यूज कर सकते हो, आप अपने पर्स में, वॉलेट में यूज कर सकते हो, अपने ऑफिस शॉप के गले में यूज कर सकते हो, आप इसको अपने रजिस्टर में यूज कर सकते हो, जहां पे भी आप अपना कैश रजिस्टर रखते हो, या उसके साथ इसको स्टिक कर सकते हो टेप के साथ। सो इट विल अट्रैक्ट मनी टू पास यू। इसके साथ साथ क्रिस्टल के ब्रेसलेट्स, नेकलेस, रिंग्स, लॉकेट भी पहन सकते हो मोर एंड मोर बेनिफिट लेने के लिए। लेकिन क्या सिर्फ क्रिस्टल आपका काम कर देंगे? नहीं, बहुत ज्यादा जरूरी ये चीज है, क्रिस्टल तो अपना काम करेंगे ही, आपको अपने एफर्ट्स देने हैं। क्रिस्टल को पहनने से आप ये मत सोचिए कि क्रिस्टल अबंडेंस लेके आएंगे, गुड लक लेके आएंगे, मैनिफेस्टेशन लेके आएंगे और आप अपने एफर्ट्स देने छोड़ दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्रिस्टल्स आपको एक पुश थेरेपी की तरह काम करते हैं। ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है जो आपको सपोर्ट करते हैं आपको आपकी स्ट्रीम में आगे बढ़ाने के लिए, आपको आपके गोल्स में आगे बढ़ाने के लिए। ये एक सपोर्ट सिस्टम है। आपके गोल्स बहुत ही फिक्स्ड होने चाहिए, आपके आइडियाज फिक्स होने चाहिए, आपके फिजिकल एफर्ट्स कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप कंप्लीट फिजिकल एफर्ट्स देते हो, गोल आपके बिल्कुल क्लियर है, तो क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे आपको वो गोल्स को इजीली अचीव करने के लिए। क्रिस्टल्स आपकी हेल्प करते हैं ऑब्स्टेकल से निकलने के लिए। क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं डिलेस को कम करने के लिए। क्रिस्टल्स हेल्प करते हैं अगर आपका मन किसी चीज में नहीं लगता तो आपका मूड बूस्ट अप करने के लिए। लेकिन फिजिकल एफर्ट्स आपको ही करने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि हमने क्रिस्टल्स पहन लिए अब तो मैनिफेस्टेशन हो ही जाएगी। क्रिस्टल्स अपना काम करेंगे, आपको अपना काम करना है।
सो होपफुली आपको समझ में आया है कि क्रिस्टल्स किस तरीके से यूज करने हैं और इनका बेनिफिट्स हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से हम इनको अपनी लाइफ में यूज करके अपनी लाइफ में मोर एंड मोर इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। दिस वॉज द वीडियो अबाउट द अबंडेंस क्रिस्टल फाइनेंशियल ग्रीन क्रिस्टल्स। हम आगे आने वाली वीडियोज में बात करेंगे हेल्थ को, लव लाइफ को, प्रोस्पेरिटी को लेके और क्रिस्टल्स के बारे में। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डोंट फॉरगेट to pull notification button and subscribe our channel. Thank you everyone. Good luck.